क्षमा क्षमा, ये सही, यही ठीक रहेगा, यही एकमात्र उपाय है हमारे जीवित बचने का। हम पंडित रामकृष्णा को क्षमादान देंगे। क्षमादान अर्थात कोई दंड नहीं, कोई दंड नहीं अर्थात पंडित रामकृष्णा जीवित, पंडित रामकृष्णा जीवित अर्थात हम जीवित। मिल गया, मिल गया, हो गया, हो गया, हो गया हमारी समस्या का निदान। जय हो तथाचार्य की बुद्धि, जय हो। बुलाओ अभी के अभी दरबार बुलाओ, हम पंडित रामकृष्णा को जीवन दान देंगे। अरे मूर्खो जाओ दरबार बुलाओ। जी गुरुजी, जाओ। हम पंडित रामकृष्णा को क्षमा दान देंगे। हमने यह तत्काल सभा इसलिए बुलवाई है ताकि हम एक अत्यंत आवश्यक घोषणा कर सकें। देखिए बात यह है, हमने बहुत सोचा, जब सोचा तो यह बोध हुआ कि पंडित रामकृष्णा को दिया गया दंड एक साधारण आम अपराधी के लिए तो उचित है, परंतु पंडित रामकृष्णा जिन्होंने इस दरबार में आई कई बड़ी बड़ी गुत्थियों को सुलझाया है, राज दरबार की बहुत सेवा की, वैसे व्यक्ति के लिए कम से कम एक बार तो प्राण दान बनता ही है। अंततः हम इस निर्णय पर पहुंचे हैं, पंडित रामकृष्णा को दिया गया मृत्यु दंड वापस लिया जाए और पंडित रामकृष्णा को क्षमादान दिया जाए। किंतु कोई किंतु विंतु नहीं, हमने जो कह दिया सो कह दिया। पंडित रामकृष्णा, हमारे रहते आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, एक छींक तक नहीं आने देंगे हम आपको। हाथी तो क्या, हमारे इस दरबार में स्थापित रहते एक चींटी तक आपको नहीं काट सकती। सिपाहियों, पंडित रामकृष्णा को बंधन मुक्त किया जाए। ठहरिए तत्कालिक महाराज, मैं आपके इस प्रेम और स्नेह का हृदय से आभारी हूँ, परंतु क्षमा करें, मुझे आपका क्षमादान नहीं चाहिए। नहीं चाहिए? क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि मैं अपराधी हूँ तत्कालिक महाराज, मुझसे अपराध हुआ है, मेरे कारण एक साधारण भोला भाला मनुष्य कुत्ता बन गया, कितना बड़ा पाप हुआ है मुझसे। नहीं नहीं, आप तो मुझे हाथियों से कुचलवाइए, दंड दीजिए मुझे, मैं इसी योग्य हूँ। चलिए चलिए, मुझे वापस कारावास ले चलिए। रुकिए रुकिए, सुनिए क्या कर रहे हैं आप। आप तो स्वयं इतने बड़े पंडित, शास्त्रों के ज्ञाता हैं। क्या लिखा है शास्त्रों में? संसार का सबसे बड़ा दान क्षमादान होता है। दे रहे हैं ना आपको, रख लीजिए रख लीजिए। नहीं तात्कालिक महाराज, उन्हीं शास्त्रों में यह भी लिखा गया है कि न्याय की दृष्टि में सब समान होते हैं, चाहे कोई भी हो, कोई बड़ा छोटा नहीं होता। इस संसार में न्याय कर्तव्य से बड़ा और कोई कर्तव्य नहीं होता। आपने मुझे दंड सुनाकर अपना कर्तव्य निभाया, अब मैं उस दंड को भोगकर अपना कर्तव्य निभाऊंगा, इसलिए मुझे आपकी क्षमा नहीं चाहिए। क्या शास्त्रार्थ कर रहे हैं आप पंडित रामकृष्ण? कह रहे ना आपसे, मान लीजिए हमारी बात, खुलवाइए अपने बंधन, रख लीजिए क्षमादान, रख लीजिए। नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? लेना होगा आपको कि हम आपके महाराज तथाचार्य का आदेश, आप ही के आदेशों का पालन कर रहा हूं तात्कालिक महाराज, मृत्यु दंड तो आप ही ने दिया था ना। क्षमादान दे रहे हैं ना? पहला आदेश पहले, पहले प्राण दूंगा उसके बाद दूसरे आदेश का पालन करूंगा। प्राण ही चले गए तो प्राण दान का औचित्य क्या रह जाएगा? ये तो मृत्यु दंड देने से पहले सोचना चाहिए था ना। तो कर रहे हैं ना भूल का सुधार। नहीं नहीं, मुझे तो दंड भोगना है, मुझे प्राण देने ही है। भगवान, ये पंडित हमारे प्राण लेकर ही मानेगा। देखिए आप समझ नहीं रहे। आप नहीं समझ रहे तत्कालिक महाराज, यदि मुझे मृत्यु दंड नहीं दिया गया ना तो विजयनगर की न्याय प्रणाली को बहुत बड़ा दोष लगेगा। आप दंड दीजिए मुझे। महाराज, आपको इस अपराधी की बात मान लेनी चाहिए। मैं जानता हूँ आप
विशाल हृदय वाले हैं, परंतु न्याय आखिर न्याय होता है। नहीं, मैं बाबा की बात से पूर्णतः सहमत हूँ। मुझे हाथियों के पैरों से कुचलवाइए। नहीं, मैं तो कहता हूँ अमावस की रात की भी प्रतीक्षा क्यों करें? मुझे अभी इसी क्षण मृत्यु दंड मिलना चाहिए। देखिए, हम आपसे विनती कर रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं आपके सामने, मान जाइए हमारी बात, ले लीजिए क्षमादान। मैं भी तो आपके आगे हाथ जोड़ रहा हूँ, कदापि नहीं, मृत्यु दंड तो मैं लेकर रहूंगा। चलिए। अरे रुकिए, अरे सुनिए तो सही, हमारी गुरुजी आपको कौन सी लकड़ी पसंद है, चंदन की या शीशम की, बताइए। क्यों गुरुजी, आपका अंतिम संस्कार होना है ना, आपकी चिता उठने वाली है, है? बहुत शातिर है पंडित रामा, उससे भी कहीं ज्यादा जितना हमने उसे आका था। हमारे एकमात्र मोहरे तथाचार्य के कदम भी लड़खड़ाने लगा उस रामा की वजह से। जरूर खिचड़ी पक रही है उसके खुरापाती दिमाग में। वक्त का तकाजा यही है कि और हमें वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो अब क्या इरादा है हुजूर का? वक्त आ गया है आसिफ अली, अब और इंतजार नहीं। विजयनगर पर हमला 2 दिन बाद नहीं बल्कि कल ही करना होगा। बहुत जल्दी है ना उस पंडित को मरने की, तो कल पंडित जाएगा स्वर्ग और विजयनगर पर होगी हमारी हुकूमत। हमें अपनी पूरी ताकत पूरी शिद्दत झोंक देनी होगी इस जंग में आसिफ अली। कल नेस्तनाबूद करके रख देना है विजयनगर का जर्रा जर्रा। युद्ध की तैयारियां करो, हथियार तैयार करो, घोड़े तैयार करो, पहुंचाकर ऐलान कर दो कि युद्ध कल ही होगा। जाओ। जी हुजूर। बस एक बार विजयनगर हमारे कब्जे में हो जाए, उसके बाद पूरा दक्षिण भारत हमारे सुल्तान के कदमों में होगा, फिर पूरा भारत। अब बचा ले पंडित रामा अपने विजयनगर को। अरे तू क्या बचाएगा, तू तो कल खुद को नहीं बचा पाएगा। यस। कहा सुना, क्षमा कीजिएगा मंत्रीवर, आप जानते हैं कितना सम्मान करता हूँ मैं आपका, कितना मानता हूँ मैं आपको, कितना ऊंचा स्थान है आपका मेरी नजरों में। पंडित रामकृष्ण, इस समय ऐसी सब बातें क्यों कर रहे हैं आप? मक्खन लगा रहा हूँ मंत्रीवर, अब जो करना है आप ही को करना है, संभाल लीजिएगा। आप निश्चिंत रहिए पंडित रामकृष्ण, हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। इस पाखंडी बाबा को अपनी सही जगह पहुँचाना है और इस नाटक का समापन करना। और ये सब आप करेंगे कब? अभी करना है? नहीं नहीं, अभी करने की क्या आवश्यकता है, आने दीजिए हाथियों को, कुचल जाने दीजिए मुझे, उसके बाद जो करना है आराम से कीजिएगा, है कि नहीं? हम समझ गए पंडित रामकृष्ण, हम समझ गए, अब चलिए प्रारंभ करते हैं। हाँ चलिए। आप क्या कर रहे हैं तात्कालिक महाराज, आप पंडित रामकृष्ण को इतना बड़ा दंड कैसे दे सकते हैं? अरे हम कहां दे रहे हैं इन्हें दंड, क्षम ले रहे हैं। चूक गया हमारा, समझाते समझाते कि हमने क्षमादान दे दिया है, कोई आवश्यकता नहीं है दंड भोगने की। माने तब ना, ये सब आपके इन बाबा के कारण हो रहा है, आप इनकी बात मानकर बहुत ही गलत और बहुत ही बड़ा निर्णय ले रहे हैं। इसकी बातों में ना आना राजन, ये नहीं, इस पंडित के दुष्ट ग्रह बोल रहे हैं, विघ्न डालने का प्रयास कर रहा है,
और विलंब किया तो अनर्थ हो जाएगा, तत्काल कार्यवाही हो इस दंड की। ये सही कह रहे हैं तात्कालिक महाराज, बुलाइए शीघ्र हाथियों को और कुचलवाइए मुझे। क्षमादान ले लो, क्षमादान ले लो। रक्ष निरंजन, कोतवाल बुलाओ हाथियों को। माँ उठा लो, अगर आवश्यकता हो तो रामा की जगह हमें उठा लो, परंतु रामा को कुछ मत होने देना। मेरा रामा हमेशा सच का साथ देता है, हमेशा सत्य के लिए लड़ता है। उसने ये प्रपंच से बाहर निकलने का और दूसरों को सबक सिखाने का फैसला लिया है। माँ आप उसे सफलता देना, मेरे बच्चे को कुछ मत होने देना। स्थिति में मैं क्या करूं? मुझे बड़ा डर लग रहा है, कुछ उल्टा सीधा हो गया तो? नहीं, कभी तो चुप चुप बोला कर बंधु, चुप होकर बैठ। पंडित रामकृष्ण आप ठीक तो हैं? रामकृष्ण आप ठीक तो हैं? हाँ मंत्री बहन, बहुत बहुत धन्यवाद, अब आएगा खेल में आनंद। चलिए, ये खेल नहीं है पंडित रामकृष्ण, आज अनर्थ हो सकता था। मेरी आंखों में उस दाएं बाएं बाबा ने भस्म डाल दी थी, अगर एक क्षण की भी त्रुटि हो जाती तो आपकी जान जा सकती थी, आप अपने जीवन को। कुछ नहीं होता मंत्रीवर, माँ कुछ होने ही नहीं देती। मंत्रीवर जहाँ विश्वास होता है वहाँ भय कैसा, और जहाँ भय होता है वहाँ विश्वास कैसा। हम अपना कर्तव्य निभा रहे हैं मंत्री भाई, अपने इस राज्य को बाबा जैसे मक्कार और पाखंडी लोगों से बचा रहे हैं, और यदि इस धर्म में, इस कर्तव्य, इस दायित्व में मुझे कुछ हो भी जाए तो इससे बड़ा सौभाग्य और क्या होगा मेरे लिए। तो पंडित रामकृष्ण अब आगे क्या विचार है? अब समय है इस ढोंगी बाबा को सबक सिखाने का, और उतारनी है आचार्य की आंखों से वो पट्टी जिसके कारण ना उन्हें कुछ दिखाई दे रहा है ना कुछ सुनाई। आखिरकार ये पंडित रामकृष्णा नाम का कांटा हमेशा के लिए हमारे रास्ते से साफ हो ही गया। अब अगली बारी उस बेवकूफ तथा आचार्य की है।
जहर मिली खीर भेजी जाएगी। बुड्ढा खीर खाएगा और हमेशा के लिए इस भरी दुनिया से रुखसत हो जाएगा। अब क्या करें पंडित रामकृष्ण, इन्होंने तो आचार्य को मारने की योजना बना ली है। आचार्य को बचाएं या इस ढोंगी बाबा को सबक सिखाएं। कार्य तो दोनों महत्वपूर्ण है मंत्रीवर, कुछ तो करना होगा। क्या करेंगे पंडित रामकृष्ण, और उससे ही बड़ा प्रश्न है कैसे। आप तो उनके लिए मर चुके हैं ना, तो आप स्वर्ग से कैसे लौटेंगे। वैसे ही मंत्रीवर, जैसे लौटा जाता है, या यूं समझिए मैं स्वर्ग पहुंचा ही नहीं, यहीं भटक रहा हूं। कैसे हो गया ये सब, ये कोई आयु नहीं थी आपके इस तरह चले जाने की। भगवान जानता है कितना आदर कितना सम्मान करते थे हम तुम्हारा पंडित रामकृष्ण। अब क्या लाभ झूठ बोलने से गुरुजी, अब ये झूठ आपका कौन सा सुनने वाला है। हाँ थोड़ा मन मुटाव चलता रहता था, परंतु इसका अर्थ ये नहीं था कि हम आपकी मृत्यु चाहते थे, ना कदापि नहीं। बहुत याद आएगी आपकी पंडित रामकृष्ण। गुरुजी जो भी बोलिए सोच समझ के बोलिए। अरे क्यों, ये पंडित यहाँ कौन सा है जो हमारी बात सुन लेगा। चला गया बेचारा, सिधार गया स्वर्ग। गुरुजी मैंने सुना है कि मृत्यु के 12 घंटे तक आत्मा कहीं नहीं जाती, अपने आसपास रहती है। हाँ और सब कुछ सुनती है, देखती भी है। अरे गुरुजी दुखी नहीं होते तो तेरे तोते उड़ा देते आज। क्या हो गुरुजी? हमने अभी रामा के चित्र में रामा को देखा। गुरुजी कैसी बात करते हैं, चित्र रामा का है तो रामा जी दिखेंगे ना। चित्र में दो दो रामा थे, एक चित्र वाला रामा और एक 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 और रामा। ये कहीं रामा का भूत तो नहीं था। अब देखिए आचार्य, मैं आपको कैसे कैसे सब जगह दिखता हूँ। आपने बुलाया आचार्य? कैसे? आत्मा तो नश्वर होती है, कभी भी कहीं भी आ जा सकती है, हमें कैसा बंधन। पूछ रहे हैं या बता रहे हैं? पूछ रहे हैं। हाँ मैं भूत हूँ आचार्य, मैं हर जगह हूँ। देखिए उस खिड़की पर भी मैं हूँ। वहाँ देखिए उस पर्दे के पीछे भी मैं हूँ। आकाश में, मनुष्य में, पशु पक्षियों में, बिल्ली में, श्वान में, मैं सब जगह हूँ आचार्य। सुनिए, तात्कालिक महाराज आप भयभीत प्रतीत हो रहे, सब ठीक तो है? सब ठीक तो है। ये कौन? आप क्या देखते हैं? आपको भगवान दिखाई नहीं दे रहा? दिखाई दे रहा? आप हमारे अतिरिक्त और कोई नहीं है यहाँ, है ना? कौन? आप? हे भगवान! अच्छा ये, अरे ये तो आपका संदूक है ना, ये तो हमें दिखाई दे रहा है।
पंडित रामकृष्ण। पंडित रामकृष्ण यहाँ कैसे हो सकते हैं तात्कालिक महाराज? उनका तो कई घंटों पहले स्वर्गवास हो गया। हम आपको यही तो बताना चाहते थे कि पंडित रामकृष्ण का अंतिम संस्कार भी हो गया। हमें लगता है तात्कालिक महाराज, पंडित रामकृष्ण की मृत्यु से आप अधिक विचलित हो गए हैं, क्योंकि हमें आपके अलावा यहाँ कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। पंडित रामकृष्ण ने धूप के बराबर दिखाई दे रहा है, कि आपको दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? केवल हम ही देख सकते और कोई नहीं देख सकता। मंत्री मंत्री मैं कहाँ चलेगा? क्या जो दिखाई दे रहा वो जीवित नहीं, जो जीवित है वो दिखाई नहीं दे रहा। क्या क्या भूतों के भी कभी कोई पैर होते हैं क्या? हमारी हमारी मंशा आपको मारने की नहीं थी। हाँ, उस ढोंगी बाबा के बहकावे में आकर इतना बड़ा कदम उठा बैठे, है ना? बताइए मत, मैं यहाँ आज आपके लिए आया हूँ, अपने लिए नहीं, आपके प्राण बचाने आया हूँ। बाबा के बहकावे में आकर आपने मुझे तो मृत्यु दंड दे दिया, अब वो आपके प्राण भरना चाहता है। वो एक ढोंगी है जो विजयनगर को हानि पहुँचाना चाहता है। खीर में विष देकर जो वो अभी आपके लिए भेजने वाला है। हमें कैसे विश्वास हो गया? आप जो कह रहे हैं वो सत्य है? अरे हाथ कंगन को और दी क्या? स्वयं खाकर देख लीजिएगा, बच गए तो यही मिलेंगे, अन्यथा क्या? पर लोग में तो साथ है ही। प्रभु ये देखिए, आपके बाबा जी की ओर से आपके लिए खीर आई है, ग्रहण कीजिए ना। बैठिए जी। माला जी स्वामी, हम चाहते हैं कि पहले ये खीर आप खाएं और खाकर हमें इसका स्वाद बताएं। शिव 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 शिव, कैसी बातें करते हैं प्रभु, आप क्या हमारी झूठी खीर खाएंगे? खाएंगे, क्यों नहीं खाएंगे, अवश्य खाएंगे, धर्मपत्नी हैं आप हमारी, आपका झूठा खाने में कैसा संकोच? पहले ना स्वामी ना, ये हमसे ना हो पाएगा, पहले आप ग्रहण कीजिए तत्पश्चात हम खा लेंगे, आप खाइए ना। माला हमने कहा ना पहले आप खाइए। नहीं स्वामी आप खाइए ना, पहले आप खाइए। आप स्वामी आप, आप। तक काला कैसे पड़ गया? भगवान लगता है खीर खराब हो गई, हम आपके लिए दूसरी खीर बनाकर लाते हैं। देखा आचार्य, सत्य सामने आ गया ना, पत्ता काला पड़ गया है। क्या अब भी आपको संदेह है कि आपकी खीर में विष मिला था जो यहाँ आपके प्राण लेने की मंशा से भेजा गया था? सच कहा आपने पंडित रामकृष्ण, हमारा मतलब है रामकृष्ण के भूत। यदि आपने सही समय पर नहीं चेताया होता ना तो हम भी नहीं खड़े होते आपके साथ भूत बनकर। हाँ, बहुत बड़ा हृदय था आपका पंडित रामकृष्ण। है मेरा। हाँ, है, है। हाँ। हमने आपके प्राण हरने का प्रयास किया और आप ही ने हमारे प्राण बचाए। धन्य है पंडित रामकृष्ण, धन्य है।
वो तो मैं हूँ, परंतु सबसे पहले ये पता लगाना है कि मेरे और आपके प्राण लेने के पीछे उस ढोंगी बाबा का उद्देश्य क्या है, और ये कार्य आपको ही करना होगा। हम क्या? आप भूल रहे हैं, आप कौन हैं? हम हैं राजगुरु आचार्य तथाचार्य। इस समय आप कौन हैं? इस समय तात्कालिक महाराज है। जी, आप तात्कालिक महाराज हैं, और महाराज होने के नाते आपका दायित्व बनता है कि विजयनगर पर आने वाले हर संकट से इसे बचाएं, अपना राजधर्म निभाएं। हाँ तो बताएं, हमें क्या करना है? हम तैयार। सर्वप्रथम तो उस बाबा तक ये सूचना भिजवाएं कि आपके शिष्यों ने वो खीर गिरा दी, इस कारण आप उस खीर को नहीं खा पाए। उसके पश्चात मेरे मरने का उत्सव मनाइए। जी, और फिर वाह बाबा, आपने जो कर दिखाया उसकी प्रशंसा के लिए शब्द नहीं है हमारे पास। उस पंडित रामकृष्णा को हमारे रास्ते से हटाकर हम पर जो उपकार किया है ना आपने, हमें समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्या करें आपके धन्यवाद के लिए। करें तो कैसे करें धन्यवाद? अंततः हमने ये सोचा कि आपके साथ भोजन किया जाए। खा बुद्धे खा, खा अपनी जिंदगी का आखिरी खाना। खीर के जहर से तो बच गया तू नामुराद, लेकिन आज हमारी शमशीर से कौन बचाएगा तुझे? आज यही तेरा सर भर से अलग करूंगा मैं। तू हमारे प्राण लेगा दुष्ट, हमने भी तुझे नरक की हवा ना खिलाई तो हमारा नाम नहीं राजपुरोहित तथा चार्य नहीं। श्री गणेश कीजिए बाबा। अवश्य। वाह, अत्यंत स्वादिष्ट। ऐसे स्वादिष्ट भोजन के लिए तो इस वक्त हमारा एक और हाथ होता, वो भी कम पड़ जाता। वाह, क्या हुआ बाबा? तीसरा हाथ। तीसरा हाथ बाबा? हाँ, अभी हमने अपने एक तीसरा हाथ अनुभव किया। क्या बात कर रहे हैं बाबा, आप तो दो हाथों से भोजन ग्रहण कर रहे हैं। लगता है बाबा जी को हमारे गुरु जी की तरह भोज मारा क्यों? हैं? मैंने? मैंने कब मारा? तूने मारा? अरे मैंने कब मारा? छोड़, स्वादिष्ट भोजन। अब तूने क्यों मारा? मैंने किसको मारा? अभी मुझे मारा, ऐसे करके मारा। मैंने नहीं मारा, तूने मारा। अरे तूने मारा, तूने मारा, तूने मारा, तूने मारा, तूने मारा, तूने। रामा, कहाँ है रामा? हमें तो रामा दिखाई नहीं दे रहा। आपको रामा का भूत दिखाई दे रहा है यहाँ बाबा? नहीं नहीं, कोई भूत भूत नहीं है यहाँ। वो तो दोनों बालक चीख पड़े तो हम भी हड़बड़ा गए बस, अन्यथा भूत तो हमारे अधीन होके नाचते हैं। देखा मूर्खो, कोई भूत नहीं है यहाँ। यदि भूत होता तो इन्हें दिखाई ना देता। ये तो भूत भविष्य देख सकते हैं। अरे भूत तो इनके अधीन होकर नाचते हैं। खाइए बाबा, खाइए खाइए। आप लोग डर क्यों रहे? पहचाना? कौन है? रामा। रामा,
मर के भी नहीं मरा ढोंगी, भटक रहा हूँ केवल और केवल तेरे कारण। तेरे कारण निर्दोष होते हुए भी मेरे प्राण ले लिए गए। तेरे षड्यंत्र के कारण मंत्री वर को जबरन अवकाश दिया गया। तेरे कारण आचार्य तेरी भेजी विषाक्त खीर खाने से मरते मरते बचे। स्थापित होने का स्वप्न देखने लगे। चिल्लाओ और चिल्लाओ, तेरा ये विजयनगर हमारा गुलाम बन कर रहेगा। असंभव। हमारे होते ही असंभव है। उठा अपनी श्रमशील और कर हमसे मुकाबला। बचा अपने राज्य को हमसे, बेवकूफ बुड्ढे। सोच क्या रहे हैं आचार्य? शत्रु आपको ललकार रहा है। आगे बढ़िए और इस दुष्ट का अहंकार मिट्टी में मिला दीजिए। गुरुवर, ये अपनी सेना का वजीर है। यदि आज आपने इसे परास्त कर दिया तो हमारे राज्य की सीमाओं पर खड़ी इसकी सेना का मनोबल अपने आप टूट जाएगा। इस समय आप हमारे महाराज हैं। महाराज होने का दायित्व आपको निभाना ही होगा। गुरुवर, आगे बढ़िए और उठाइए तलवार। डर गया मूर्ख। क्या तैयार है मूर्ख का ना दुनिया में? अब देख इस मूर्ख का बलंकारी रो, कर सामना इस राजगुरु तथाचार्य का। ये तालाब का मेढक हमसे मुकाबला करेगा। अरे रख दे तलवार अहमद, वरना कलाई मोट खा जाएगी।
ये तेरे बस की नहीं है। कौन कह रहा है ये बात? दुश्मन, मूंछ के बाल बराबर वैसे तू ये घूम रहा है। तथा चार निकल गई सारी हेकड़ी, ये बचाएगा विजयनगर हमारे सामने। इस बाबा के साथ आए सभी आदमियों को बंदी बना लिया गया है तात्कालिक महाराज। अब कम से कम इस राज्य के भीतर तो ये हर प्रकार से शक्तिहीन है। क्या अब सब सीधा सीधा और स्पष्ट दिखाई देने लगा तुझे दुष्ट? ले जाओ इस दुष्ट को, डाल दो काल कोठी में, इसका दंड अब हम स्वयं सुनिश्चित करेंगे। एक ऐसा दंड जिसके पश्चात फिर इस जैसा राज्य शत्रु हमारे विजयनगर की ओर मैली दृष्टि डालने से पहले 100 बार अपने इष्ट देव को स्मरण करेगा। ले जाओ इसे। बधाई हो तात्कालिक महाराज, आपने अपना राजधर्म निभाया और इस पद और आसन की गरिमा रखी, और हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारे महाराज श्री कृष्ण देव राय आपकी कर्तव्य निष्ठा देखकर अत्यंत ही प्रसन्न होंगे। सच में गुरु जी, क्या तो काया पलट हुई है आपकी, कैसा अद्भुत रूप दिखाया है आपने। सच गुरु जी सच, आज तो आपने चमत्कार कर दिखाया। ये चमत्कार हमारा नहीं, पंडित रामकृष्ण का है। यदि उनकी पुण्य आत्मा ने हमारा साथ ना दिया होता तो आज हम जीवित ना होते। उनकी आत्मा ने हमारे भीतर के देशभक्त को जगाया। वाह, मरणोपरांत भी कैसी लीला रच गए अपने पंडित रामकृष्ण। जिसने प्राण हरे उसी के प्राण बचा गए। क्या कहें, कैसे कहें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। शब्द नहीं है हमारे पास क्षमा मांगने के लिए। संभवतः हमसे जो भूल हुई है उसकी तो किसी लोक में भी क्षमा नहीं होगी। लज्जित हैं हम अपने किए पर। जिसे जीवन भर अपना प्रतिद्वंदी अपना शत्रु मानते आए, आपके उसी पुत्र ने हमारे प्राण बचाए। अपराधी हैं हम आपके, हमें दंड दीजिए। आप जो दंड देना चाहे हमें दंड दीजिए। इस पाप के बोझ को हम सह नहीं पा रहे हैं, मारिए हमें, दंड दीजिए, मारिए। अरे सोच कर रही है अम्मा जी, लगा दीजिए दो चार लाठियां, अच्छा लगेगा हमें। धीरे मत मारिएगा, इन्हें इन्हें अच्छा लगेगा। क्या कह रही है? कह रही है, कहते हैं अगर हृदय से किसी के लिए पश्चाताप करें, हृदय से अपने पापों के लिए क्षमा मांगे, हृदय से मृत आदमी का नाम पुकारे, तो मृत आदमी पुनः जीवित हो सकता है।
काश काश ऐसा हो सकता। हो सकता है, चलिए हमारे साथ। ये रहा रामा, ये रहे आप। पुकारिए रामा का नाम। अम्मा भी देखना चाहती है कि आपके पश्चाताप में कितनी सच्चाई है। अम्मा को पूर्ण विश्वास है कि अगर आपके पश्चाताप में थोड़ी भी सच्चाई है तो रामा अभी पुनः उठ खड़े होंगे। पुकारिए अपने संपूर्ण हृदय से, स्मरण करके हृदय से पुकारिए। अच्छा, प्रयास करते हैं। पंडित रामा कृष्णा, रामा रामा, हमारे प्रिय मित्र रामा जी। गुरु जी, गुरु जी तो सच में जीवित हो गया। आप वापस आना ही पड़ा आचार्य। आपके पश्चाताप में इतनी शक्ति थी कि भगवान को मुझे पुनर्जीवित करने पर विवश होना ही पड़ा। बहुत अच्छे पंडित रामकृष्णा, बहुत अच्छे। हम सबको आप पर गर्व है। एक बार फिर आपने विजयनगर को एक बहुत बड़े षड्यंत्र के शिकार होने से बचा लिया। आपकी बुद्धिमता से मौत के मुंह से निकलने का कारनामा भला और कौन दिखा सकता है। मृत्यु के मुंह से बच निकलने का कारनामा, अर्थ क्या हुआ इस बात का? आप तो मर गए थे ना। अरे नहीं आचार्य, इतनी शीघ्र ये रामकृष्ण आपका पीछा कहाँ छोड़ने वाला है। मरे नहीं थे। नहीं, वहाँ मृत्यु दंड से बच निकले थे। सुरक्षित, आराम से जीवित, माँ की कृपा से भूत नहीं बने थे। क्या आचार्य, जीवित व्यक्ति भी कभी भूत बन सकता है भला? नाटक था ये सब। शुद्ध रूप से मतलब कैसे हुआ ये सब? बताता हूँ आचार्य, सब बताता हूँ कैसे हुआ। क्यों बनाया आपने हमारा? कैसी बातें कर रहे हैं गुरुजी? आपको बनाने की क्या जरूरत है, आप तो पहले से ही उल्लू। क्षमा करें आचार्य, परंतु और कोई रास्ता नहीं था मेरे पास। प्रश्न था राष्ट्र की सुरक्षा का, विजयनगर के सम्मान का। कैसे कोई राह चलता शत्रु आकर, स्वांग रचकर, हमें मूर्ख बनाकर हमारे राज्य को अपने अधीन कर सकता है। बस इसी बात का अनुभव कराना था उन्हें कि इतना सरल नहीं ये सब। इसलिए जो सही लगा वो किया। हम आपस में जितना भी लड़े झगड़े, जितने भी मनमुटाव हो, ये हमारा निजी मामला है। कैसे इस बात का लाभ उठाने का अवसर किसी और को दे सकते हैं हम? और वो जो पदार्थ आपने हमें पीने के लिए दिया था, वो केवल जल था प्रभु। उसको पीने के बाद हमें इतनी शक्ति कैसे आ गई? वो शक्ति तो पहले से ही आपके भीतर विद्यमान थी प्रभु। मैंने तो बस केवल एक छोटी सी मनोवैज्ञानिक हवा देकर उसे जगा दिया। अन्यथा सत्य तो यही है कि आपने अपनी स्वयं की शक्ति और बल से उस बाबा को पराजित किया है। अच्छा, शुरू हो गई आपकी ज्ञान वर्षा पंडित पुड़िया। यदि हमें कुछ हो जाता तो कौन इसका उत्तरदायित्व होता? अब आपको कुछ हो जाता तो क्या अंतर पड़ता है कि उसका उत्तरदायित्व कौन होता? आप कौन सा जीवित बचते ये सब देखने के लिए। और दूसरी बात, यदि आपको कुछ हो भी जाता, भगवान ना करे आपके प्राण मान चले भी जाते, तो वही होता जो अब हो रहा है। हाँ, अंतर केवल इतना होता कि आपके स्थान पर मैं होता और मेरे स्थान पर आपका भूत, और वो भी असली भूत। हौसले पंडित रामकृष्णा, तुझे देख लेंगे पंडित रामकृष्णा। आने दे महाराज को, तुझे तेरी इस उदंडता का सबक ना सिखाया तो हमारा नाम भी राजकुमार तथा चार्य ने प्रतिशोध लिया जाएगा पंडित रामकृष्णा। बहुत महंगी पड़ेगी तुझे ये शत्रुता।
सुनकर के रंधी का तेरा ही पता चले, सब कुछ सर्वनाश कर दे कर दे। अरे 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 पंडित रामकृष्ण, अरे इन्हें छोड़िए, ये राग तो जिंदगी भर आपका साथ नहीं छोड़ने वाला। उसके बारे में सोचिए कि बाबा की सेना जो हमारी सीमाओं पर खड़ी है, उसका क्या? उसके बारे में कुछ सोचा है? उन्हें एक प्रेम पत्र भेजना है मंत्रीवर। हाँ जी, प्रेम पत्र। जंग के लिए सब तैयार है? जी हुजूर। हुजूर हुजूर, आपके लिए पैगाम आया है। ये पत्र मैं आपके वजीर फुतलू बिन पिमपिम की ओर से भेज रहा हूँ। क्या है कि आपके फुतलू साहब के दोनों हाथ हमारे तात्कालिक महाराज श्री तथाचार्य जी के आदेश पर काट दिए गए हैं। अब क्योंकि वो कुछ भी लिखने में असमर्थ हैं, तो ये शुभ कार्य मुझे करना पड़ रहा है। वैसे मैं कौन हूँ? मुझे लोग पंडित रामकृष्ण कहते हैं। फुतलू जी ने बताया है कि आप लोग विजयनगर पर आक्रमण करने आए हैं। 100 हाथी, 500 घोड़े और 100,000 सैनिकों के साथ। बड़ी अच्छी बात है, आना भी चाहिए। आइए आइए और आकर स्वयं अनुभव ले लीजिए कि मित्रों के स्वागत के लिए हम कितने विनम्र हैं और शत्रुओं को उनकी उद्दंडता का उत्तर देने के लिए कितने कठोर। आपके आक्रमण का उत्तर देने के लिए हमारी सेना संपूर्ण रूप से तैयार है और व्याकुल भी, आप सभी के टुकड़े टुकड़े करके आपके राज्य में वापस भेजने के लिए। विनम्र चुनौती है बंधुओं, विजयनगर तो छोड़िए, विजयनगर की सीमा की घास का एक तिनका भी तोड़कर दिखाइए। आपका शुभचिंतक, विजयनगर का विशेष सलाहकार पंडित रामकृष्णा। क्या हुक्म है हुजूर? फौज को बोल दे विजयनगर पर हमला करने के लिए। अहमक, फौज के पास जाओ और उन्हें बोलो तुरंत यहाँ से निकलने के लिए, वरना सबके यहाँ से टुकड़े जाएंगे वापस। वो बैठे इंतजार कर रहे हैं हमारी धज्जियां उड़ाने का। उन्हें बोलो यहाँ से तुरंत निकले, ये तो सबके सब बेमौत मारे जाएंगे। जब तक पंडित रामकृष्णा विजयनगर में मौजूद है, विजयनगर पर काबिज का ख्वाब देखना भी बहुत बड़ी जहालत है। जल्दी निकलने के लिए बोलो, जाओ। दरबार ही जा रहे हैं ना? हाँ, क्यों ऐसे क्यों पूछ रही हो? नहीं कुछ नहीं, आज कुछ भिन्न सा प्रतीत हो रहा है। ये प्रसन्नता, ये संगीत, ऐसा लग रहा है किसी से भेंट करने जा रहे हैं। भेंट किससे? चलिए छोड़िए, जाने दीजिए। नहीं नहीं, अब तो तुम्हें अवश्य ही बताना पड़ेगा। तुम्हें क्या लग रहा है मैं किससे भेंट करने जा रहा हूँ? होगी कोई, हमें क्या पता। होगी कोई? अब होगी कोई से क्या तात्पर्य है तुम्हारा? अब हमें नहीं पता, परंतु हमने आज तक आपको इस तरह तैयार होकर दरबार तो जाते हुए नहीं देखा। देखो शारदा महोदया, आज मेरी मनस्थिति अत्यंत ही प्रफुल्लित है और मैं इसे व्यर्थ में नष्ट नहीं करना चाहता, समझ लो। इसलिए तुमसे अनुरोध है कि तुम्हारी कोई भी शंका, कुशंका, खोजबीन कुछ भी हो, उसे संध्याकाल के लिए सुरक्षित रख लो। क्या है कि तुमसे वाद विवाद करने में ना मुझे निद्रा आने लगती है और प्रातः काल से ही पुनः निद्रा मगन होने की मेरी तनिक भी अभिलाषा नहीं है। देखा अम्मा, प्रातः काल से हमसे वाद विवाद करने में लग गए हैं। वाद विवाद और मैं? अम्मा मैं तो चुपचाप दरबार जाने के लिए तैयार हो रहा था, ये आ गई मुझसे वाद विवाद करने के लिए। क्या है? इतना सज सवर के कहां जा रहे हो? वो ना, ये प्रश्न तुम कर रही हो या ये? हाँ, बात को घुमाओ मत। प्रतिदिन तुम बुझे बुझे से रोती हुई सूरत लेके दरबार जाते हो और आज ये चहकना, गालों में अरुणाई, क्या रहस्य है? अम्मा कोई विशेष बात नहीं है। बात दरअसल ये है कि गत 2 दिवस से आचार्य दरबार ही नहीं आ रहे हैं, तो कोई मानसिक चिंता, कोई तनाव, कोई विवाद नहीं है। संपूर्ण दिवस प्रसन्नता में व्यतीत होता है। तथाचार्य दरबार में क्यों नहीं आ रहे?
कहाँ है वो? जी मुझे क्या पता, कहीं भी हो मेरे दिवस तो प्रसन्नता में व्यतीत हो रहे हैं ना। अच्छा तो ये कारण है। हाँ, और एक बात, आज मैं घर पर अल्पाहार नहीं करूँगा। मेरा विचार आज बाहर पूरी भाजी खाने का है। आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ। परंतु हमने जो घर पे अल्पाहार बनाया है उसका क्या? उसका सेवन तो तुम ही करो, बनाया भी क्या होगा दलिया। आज मैं बाजार जाके पूरी भाजी खाऊंगा, तत्पश्चात दरबार जाऊंगा। ठीक है, मैं भी चलूंगा तेरे साथ, मुझे भी खानी है पूरी भाजी। चल मजे करेंगे, आजा। लामत, मुझे ये वाले फूल चाहिए। अच्छा, ये सुगंध चमेली के पुष्प की है। चंपा की सुगंध है। चमेली की है। अरे चंपा की सुगंध। अरे चमेली की है। लामा देख, ये दोनों लड़ ले, चल देखते हैं। नहीं नहीं गुंडप्पे, जब दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे हो तो उनके मध्य हमें अपनी टांग नहीं अड़ानी चाहिए। अरे कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना तेरे साथ, चल देखते हैं, मजा आएगा। नहीं यहीं खड़ा रहे, चुपचाप। इतनी बार बोल, चमेली की है। अरे चंपा की सुगंध है। क्यों भी बात कर लो, मुझे बताओ आपकी तमतिया करने वाले मैं करूंगा। अच्छा बालक तुम ही बताओ, इसमें से जो गंध आ रही वो चंपा के पुष्प की है या चमेली की? गुंडप्पा, गुंडप्पा, अरे गुंडप्पा, अरे 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 गुंडप्पा। कहाँ हूँ? प्रणाम पंडित रामकृष्णा जी, आप पूर्णतः सुरक्षित हैं। बाहर फेंक दूंगा। हैं? किसे बाहर फेंक देंगे? और क्यों? और आप है कौन? गुंडप्पा कहाँ है? गुंडप्पे? शांत, गुंडप्पा भी पूर्ण तरह से स्वस्थ है, अंदर घंटियों से क्रीड़ा कर रहा है। मैं शंभुआ जलदस्यु शाकाल का पुत्र हूँ, बाहर फेंक दूंगा। शिव 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 शिव, आप अपने पिता को बाहर क्यों फेंक रहे हैं? मैं उन्हें नहीं फेंक रहा हूँ, अभी तो उन्होंने मुझे बाहर फेंक दिया था। बहुत ही दुखद कहानी, लंबी कहानी है, मैं आपको बाद में सुनाऊंगा। बाहर फेंक दूंगा। अच्छा अच्छा, बाहर फेंक दूंगा आपका अटक वाक्य है। बाहर फेंक दूंगा, अच्छा है। अटक वाक्य, मैंने बहुत सारे लोगों को बाहर फेंका है इसलिए वाक्य अटक गया है। पंडित रामकृष्ण, आप मेरे पिताजी से परिचित होंगे आशा करता हूँ। क्षमा करें, मुझे आपके पिता के विषय में कोई ज्ञान नहीं है, इसके पूर्व मैंने उनके विषय में कभी सुना भी नहीं। क्या बात कर रहे हैं आप? संपूर्ण दक्षिण भारत से श्रीलंका तक समुद्र दस्यु शाकाल के नाम का टंका बसता है और आप कह रहे हैं आपने उनके बारे में सुना नहीं है? बाहर फेंक दूंगा। वो क्या है कि मैं भूमि पर निवास करता हूँ ना, और आपके पिता तो जलदस्यु थे, इसी कारण संभवतः अनभिज्ञ हूँ। परंतु आप कृपया करके स्पष्ट करें, आपने मेरा अपहरण अवश्य किसी विशेष प्रयोजन से किया है, तो अविलंब हम उस मुख्य चर्चा पर आते हैं ताकि समय की बचत हो। क्या है कि बड़ी भूख लगी है और पूरी भाजी खाने का कार्यक्रम है। भूख? हाँ। स्वामी रामकृष्णा। स्वामी रामकृष्णा। स्वामी। ओ स्वामी। आदेश दीजिए मालिक, उपमा गरम है। नहीं नहीं नहीं, उपमा नहीं, मुझे पूरी भाजी खानी है। स्वामी, पंडित रामकृष्ण के लिए पूरी भाजी का प्रबंध किया जाए। क्षमा कीजिए मालिक, इसमें तो पूरी सब्जी का कहीं भी उल्लेख नहीं है। हाँ, इस सूची में खोए की बर्फी और जलेबी का उल्लेख जरूर है, जो पंडित रामकृष्ण को अत्यंत प्रिय है। इससे संबंधित समस्त सूचना एकत्रित कर रखी है, मुझे यहाँ उठा कर ले आए। इसके पीछे इनका प्रयोजन क्या है?